सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले ही वीवो के T3 लाइट डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम को इंक्रीज कैसे करेंगे। गाइस जो एक्स्ट्रा रैम इसके अंदर सेटिंग्स होता है बाय डिफॉल्ट तो आपके फोन में 6 GB 8 GB जो भी है वो होता है, बट वर्चुअल रैम भी मिलती है जिसको हम ऐड करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है एक्चुअली में कि हम इसको ऐड करते कैसे। तो एक छोटा सा डेमो करेंगे, आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा रैम को अपने बाय डिफॉल्ट रैम के साथ ऐड कैसे करते हैं। वेल गाइस उसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमारे यहाँ पर है, एक बार इसको प्रेस करके ओपन करेंगे, देन इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा सेटिंग्स का। स्क्रॉल करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी रैम एंड स्टोरेज स्पेस, इसको आपको प्रेस करना, एंड टॉप नंबर में मिलेगा रैम, इसको प्रेस करना। अभी हमारे फोन के अंदर 8 GB + 8 GB मींस की 16 GB रैम है, और इसमें सभी फोनों में इस तरीके से ही आता है जितने भी वीवो के फोन आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर आएंगे तो अभी आपने करना क्या, स्टैंडर्ड रैम नीचे आपको ऑप्शंस मिल रहा है, अगर ये डिसेबल्ड है दैट मींस आपके फोन में जो बाय डिफॉल्ट रैम है उसके साथ आपका वर्चुअल रैम ऐड नहीं है। तो अगर इसको मैं डिसेबल भी करूं तो 5 सेकंड में हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाता है। ऐसे जब आप इनेबल करेंगे तो आपका फोन 5 सेकंड के बाद रीस्टार्ट होगा और जो आपका रैम है एक्स्ट्रा वाला वो आपके बाय डिफॉल्ट रैम के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने फोन के अंदर एक्स्ट्रा रैम को ऐड कर सकते हैं।